जैसा कि देखते हैं हम लोग इस प्रश्न में क्या दिया गया है। दिया गया है कि जो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 15, द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। मतलब बोल रहा है कि दो अंक का कोई संख्या है, दो अंक का संख्या कैसे बनता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई 12 है, ठीक है ना, संख्या, या मान लेते हैं इससे बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जो है 23 है, तो 23 जो है दो अंक की संख्या है। अगर इसको एक्सपेंड किया जाए, ये तो इकाई अंक होता है और ये दहाई अंक होता है, दहाई अंक का जो है प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी अगर देखा जाए 23 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 10 + 3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 2 + 3। मतलब कि जो नंबर होता है एक फार्मूला बनता है कि 10 × दहाई अंक और प्लस इकाई अंक होता है, एक फार्मूला होता है। इकाई अंक वाला में एक गुणा छिपा रहता है, ठीक है, इसको ऐसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो फॉर्मूला बनता है दो अंक की संख्या का, तो 10 × दहाई अंक और प्लस इकाई अंक होता है, ठीक है, इस तरह से संख्या बनता है दो अंक का। मान लेते हैं कि जो है यूनिट डिजिट या वंस प्लेस वाला जो डिजिट है उसको हम लोग यक्स मान लेते हैं, और टेंस जो डिजिट है उसको हम लोग वाई मान लेते हैं। तो जो नंबर बनेगा, ठीक है, ओरिजिनल नंबर बनेगा, ठीक, ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, तो 10 × जो है टेंस वाला डिजिट और प्लस इकाई, मतलब 10y और प्लस इकाई, ठीक है, ये जो नंबर ओरिजिनल नंबर बनेगा। तो यहाँ से पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको लिख लेते हैं, यानी अंकों का योग दे चुका है, यानी अंकों का योग है, जो इसका जो है योग नहीं दिया है, अंकों का योग दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 15, इक्वेशन और फर्स्ट ये दिया गया है आपको, ठीक है, प्रश्न। अब देखते हैं, बोल रहा है कि इफ नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, मतलब कि अगर हम लोग जो है इंटरचेंज करते हैं या रिवर्स करते हैं, ठीक है, इट्स डिजिट को, मतलब इनके अंकों को चेंज कर देते हैं, तो वो चेंज किया हुआ जो संख्या बनेगा वह गिवन नंबर से, मतलब जो ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब कि इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाय 9, मतलब जो चेंज करने के बाद जो नंबर बनेगा वो ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा है। इसका कहने का मतलब कि जो न्यू नंबर बनेगा इंटरचेंज करने के बाद वो क्या बनेगा, 10 प्लस, अब ये जो है दहाई पर 10y था, अब ये इकाई पर चल जाएगा और x जो है दहाई पर चल जाएगा, मतलब 10x + y बन जाएगा। मतलब ये जो नंबर है 10x + y यह किससे ज़्यादा है, तो ओरिजिनल नंबर से ज़्यादा है। ओरिजिनल नंबर क्या है, तो ये है 10y + x से 9 ज़्यादा। यहाँ से देख लेते हैं, इस सबको y वाले टर्म x वाले टर्म को एक साइड में कर देते हैं, तो ये x इधर प्लस में इधर आएगा जो है घट जाएगा, 9x बचेगा, y में से ये 10y इधर आएगा तो माइनस, यानी -9y हो जाएगा, प्लस 9, यहाँ से 9 कॉमन हो जाएगा, तो x - y = 9, 9 से यहाँ से कैंसिल एक बार में, x - y = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ से इक्वेशन नंबर सेकंड, दो इक्वेशन बनेगा। तो देखते हैं दोनों को जोड़ते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे इसमें प्लस वाई है, इसमें माइनस वाई है, जोड़ेंगे तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा और यक्स यक्स 2x बन जाएगा, और 15 इस साइड में है, इस साइड में 1 है, तो 16 बन जाएगा। इसका मतलब x बराबर क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, और x का वैल्यू किसी में भी रख देंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 7 बन जाएगा। तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वह नंबर क्या बनेगा, तो जो ओरिजिनल नंबर होगा वह 10y + x, यानी y की जगह पर 7 रखेंगे और x की जगह पर जो है 8 रखेंगे, तो ये 10 × 70 + 8 = 78 हो जाएगा, ठीक है। तो यही जो है ओरिजिनल नंबर, यानी आंसर होगा 78 हो जाएगा। अगर इसको प्रूव करना है तो देख लेते हैं, 78 को अगर रिवर्स करते हैं तो क्या बन जाएगा, 87, ये रिवर्स किया हुआ नंबर है। तो देखते हैं ये रिवर्स किया हुआ जो नंबर है इससे, यानी ओरिजिनल नंबर से 9 ज़्यादा है कि नहीं ज़्यादा है, इससे प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है, 78। थैंक यू।